नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस्क कंपाउंड में बिहार के कृषि सह भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया झंडोत्तोलन। देश में समाज तोड़ने वाली सरकार, आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। BAU कुलपति ने राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी, कृषि विश्वविद्यालय में हुआ झंडोत्तोलन। रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने कार को मारी जबरदस्त टक्कर, दो की मौत। अनुमंडल में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन कार्यालय का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के ऐतिहासिक संदेश कंपाउंड में बिहार के कृषि सह भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में झंडोत्तोलन किया गया। कृषि मंत्री सह भागलपुर प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत ने SSP संघ परेड का निरीक्षण कर झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। वहीं मंत्री ने दो स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित भी किया। इस दौरान मंत्री ने बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास योजनाओं का विस्तार पूर्वक आम लोगों को बताया और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है। पिछले कई वर्षों में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनहित की योजनाओं से काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा लागू किए गए शराबबंदी कानून और दहेज उन्मूलन को लेकर किए गए कार्य ने देश में बिहार के मान और मर्यादा को बढ़ाया है। झंडोत्तोलन के दौरान परेड में भागलपुर जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, दंगा नियंत्रण बल, NCC समेत कई प्लाटून शामिल थे। मंच पर प्रमंडलीय आयुक्त, DIG, जिलाधिकारी, SSP समेत कई अधिकारी मौजूद थे। आज चूंकि ये महान पर्व है और आज के दिन देश और दुनिया में संदेश यही जाता है, यह जो खुशहाली, यह जो महान पर्व देश के सभी जाति धर्मों ने मिल करके जो है ये देश को दिया था, इसलिए मैंने आज मन से कहा। देश में समाज तोड़ने वाली सरकार, आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवासीय परिसर स्थित कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज का झंडोत्तोलन कर सलामी दी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि बड़ी कुर्बानी देने के बाद अपना देश आजाद हुआ। आज हम सभी स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी लोगों के बलिदान को याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस दौरान अजीत शर्मा ने कहा कि अभी देश तोड़ने वाली ताकत जो देश के साथ गद्दारी कर रही है वो सरकार चला रही है। देश की जनता वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है और अगले लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। झंडोत्तोलन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले आज 76वां वर्षगांठ के अवसर पर मैं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं और आपको बता दें, और जो लोगों ने भी भारतवर्ष को आजाद कराने में कुर्बानियां दी, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कुर्बानियां दी, महात्मा गांधी ने जो कुर्बानियां दी, और कई लोगों ने पूरे देश में कुर्बानी, सबको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर मैंने सबको कहा है कि चलिए, और जो लोग भी देश को बांटने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की राजनीति करेंगे, इसका मतलब वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये पूरे कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। सभी लोग मिलजुल के भाईचारा बनाए रखेंगे और भागलपुर, बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आपको बता दें, जो हालत है विगत 9 वर्षों में, जो महंगाई आकाश छुआ है, जो मान लीजिए युवकों को रोजगार नहीं मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया वो पूरा नहीं किया, मैं आपको बता दूं, यही जनता आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आह्वान करता हूँ पूरे देश की जनता से, आइए मिलजुल के इस भारतीय जनता पार्टी को, जो देश को खत्म करने का काम कर रही है, लोकतंत्र खत्म कर रहा है, रोजगार युवकों को नहीं दे रहा, महंगाई नहीं रोक पा रहा है, उसको 2024 के चुनाव में गद्दी से उखाड़ फेंके और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बने और बिहार को और देश को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, विकास आगे बढ़ेगा और हम लोग एकजुट होकर भारत का नाम और रोशन करेंगे। BAU कुलपति ने राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी, कृषि विश्वविद्यालय में हुआ झंडोत्तोलन।
भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज की सलामी दी। आजादी के खास मौके पर बिहार समेत देश के तमाम किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ अपने संबोधन में कहा कि बढ़ती जनसंख्या के लिए सीमित खेती लायक जमीन से उन्नत पैदावार लेना अब बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसान हित में अनेकों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास तब सफल होगा जब हमारे किसान जागरूक हों, माटी जैसे संसाधन का उचित इस्तेमाल करेंगे। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी थी। 1907 में बंगाल कृषि महाविद्यालय के रूप में स्थापित और 1945 में बिहार कृषि महाविद्यालय के रूप में नामित इसी ऐतिहासिक परिसर में 5 अगस्त 2010 से बिहार कृषि विद्यालय की स्थापना बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। आज मात्र 13 वर्ष के किशोरावस्था में यह विश्वविद्यालय पूरे देश में एक अग्रणी कृषि विद्यालय के रूप में स्थान बना चुका है। आज के इस पावन अवसर पर हम याद करना चाहेंगे उन विभूतियों को जिन्होंने एक सदी पूर्व से इस परिसर में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के अलग को जगाए रखा। हम याद करना चाहेंगे उस महानुभाव हीरामन राय चौधरी को जिन्होंने आज से लगभग 125 साल पूर्व इस परिसर को विकसित करने के लिए 324 एकड़ का रकबा प्रदान किया था। हम नमन करना चाहेंगे उन शहीदों को जिन्होंने हमें आजाद भारत में सांस लेने के खातिर अपना सर्वस्व यथावत दिया था। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि हमारी जीवन शैली ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति रही है। राज्य की बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते जोर के परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत इंद्रधनुषी क्रांति एवं सदाबहार क्रांति द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि लाना बदलते परिवेश के लिए अति आवश्यक। रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने कार को मारी जबरदस्त टक्कर, दो की मौत। भागलपुर जिले के शाहकुंड असरगंज मुख्य मार्ग के मानिकपुर गांव के समीप एक बेलगाम ट्रक ने कार में आमने सामने की जोरदार ठोकर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। इस घटना में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुल्तानगंज के शाहबाद गांव निवासी संजय कुमार और कठहरा पंचायत के पेरैया गांव निवासी सुजीत कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर शाहकुंड थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और सभी स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शाहकुंड से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सुनील सर, नाम हुआ मेरा। कैसे, क्या घटना हुआ, कब पता चला? पता सुबह 6 बजे हमको चला, फोटो आया मोबाइल में को भेजा, पता चला कि दोनों का फोटो जब देखेंगे डेट कर गया। डेट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ आए तो पता लगा कि वाहन से घटना हो गया, गड्ढे में गिर गया था गाड़ी। तो आपका भाई है? चचेरा भाई है। और कौन है? अब उनका परिवार आए हैं। मतलब और कौन कौन एक्सीडेंट किए, कितने लोग थे कार में? कार में 4 लोग थे, जिसमें 2 लोग बच गए, 2 लोग एक्सीडेंट हो गए। और कौन 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 एक्सीडेंट किए हैं? उनका दूसरे के बारे में नहीं पता है, दूसरी जगह है, अपना कोई नहीं थे। सुजीत जी का, तो सुजीत संजय जी आपका आदमी है? मेरा संजय हुआ चचेरा भाई। उनको कितना लड़का है? एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का एक लड़की। कहाँ शादी हुआ था? शादी मुंबई में हुआ था, मकवा था मुंबई। संजय जी क्या करते थे? टोटो चलाते थे, ऐसे टोटो बाल बच्चे पाल रहे थे। आप लोग का पता चला सुबह में? सुबह 6 बजे सुबह गए उठे ना हम, वो आदमी मोबाइल पे किसी को भेजा था फोटो, फोटो पता लगा था पता कि आप लोग का सुबह पता चला? मैं सुबह मालूम हुआ। घटना कब का है? घटना बोला 10 बजे रात की हुई है। कौन गाड़ी था? कार थी, हम देखे नहीं है गाड़ी। मारुति एक्सप्रेस।
अनुमंडल में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यालय का हुआ उद्घाटन। भागलपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर में मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान ट्रेनी, एडीएम, सिविल सर्जन, एएसडीएम सहित महिला को पदाधिकारी के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। जिले में इस कार्यकाल के खुल जाने के बाद महिलाओं को होने वाली किसी भी समस्या का हल यहां पर किया जाएगा, चाहे वो घरेलू समस्या हो, घरेलू अपराध, आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड में बनने में दिक्कत हो सहित अन्य समस्या जो महिलाओं के साथ होती है, इन समस्याओं को लेकर महिला यहां पर आएंगे और उनकी शिकायत दर्ज कर उसका हल किया जाएगा। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य में ये एक कार्य और भी आज से शुरू किया गया है, जिससे महिलाओं को होने वाली परेशानियों से उनका निपटारा दिलाया जा सके। वहीं इस अवसर पर महिलाओं को होने वाली परेशानियों को लेकर भी चर्चा की गई और आगे और किस तरह से कदम उठाए जाने की जरूरत है, इसको लेकर भी कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोग का यहाँ मिशन शक्ति योजना अंतर्गत जिला हब का जो है DHEW का आज हम लोग का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। इस कार्यालय में, जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय में, यहाँ पे अभी हम लोग का जो भी पहले के पूर्व का जो भी योजना जो चल रहा था उसी को एक अम्ब्रेला के रूप में अभी संचालित किया जा रहा है, जिसमें एक संबल योजना और सामर्थ्य योजना। संबल में हमारा वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत है, और सामर्थ्य में हमारा कामकाजी छात्रावास, शक्ति सदन, सखी निवास, फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और DHEW, जिसका आज यहाँ पे हम लोग के भी पदाधिकारियों के द्वारा मतलब आज उद्घाटन किया गया है। हम लोग के जो भी महिलाएं की जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसको एक यहाँ पे समेकित, यहाँ पे जो भी तरह का किसी भी तरह की समस्या होगी उनको, तो हम लोग के द्वारा यहाँ से उनको सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। सभी विभागों के साथ उनके साथ समन्वय स्थापित कर उनको जो भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, चाहे उनका पेंशन से संबंधित हो, चाहे मतलब उनका आधार कार्ड नहीं हो, पास बैंक में खाता ना खुल रहा हो, जो भी सरकार की योजना है, चाहे बैंक से लोन लेने में उनको, तो महाप्रबंधक से भी उनके समन्वय बनाकर जितने भी योजनाएं का उनके साथ जो है उनको मदद पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पे जो भी वन स्टॉप सेंटर हमारा महिलाओं के लिए, जो घरेलू हिंसा से शिकार या मानव व्यापार या जो भी हमारा यहाँ काउंसलिंग का भी कार्य किया जाता है, और बेटी बचाओ के अंदर विभिन्न तरह के भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिला में, और अभी बराबर निरंतर भी और भी आगे भी होते रहेंगे। ओपनिंग सर, महिलाओं को काफ़ी, हाँ महिलाएँ काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी सरकार की भी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं कि बहुत सारे विभाग में उनका काम नहीं हो पाता है, तो एक यहाँ पे भी अपना वो शिकायत भी दर्ज कर अपना किसी भी तरह का भी उनको दिक्कत होगा तो अपना यहाँ पे आके वो बता सकते हैं कि हमारे वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो भी कर्मी हैं उनको सहयोग वहाँ पे प्रदान किया जाएगा समन्वय बनाकर करवाने। मैं जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम भागलपुर, ब्रजेश सुधाकर। तब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।